Why Media Group? The fastest growing media group in North America. वाई मीडिया ग्रुप वालों तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। बतौर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया मैं युद्ध जसवाल तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहलां तुसीं गलबात करदे हां। असीं सारे जानदे हां कि थैंक्स गिविंग लोंग वीकेंड वाले दिन RCMP द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने नाल कैबिनेट मिनिस्टर मेलनी जॉली, साढ़े फॉरन अफेयर मिनिस्टर ने और डोमिनिक लेब्लांक जिहड़े कि साढ़े मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी हैगे ने। सो इन्हां द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ियां होईयां बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस होर भी होईयां, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विचार दिते। सो ये सारा जो कुछ होया सारा तुसीं सुन लिया। ब्रीफ दे विच असीं तुहानूं दुबारा दस दिंदे हैगे हां कि RCMP ने एलीगेशन लगाए हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इतने है दे आर इनवॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी इनकलूडिंग होमोसाइड्स, इट्स प्लूरल नाउ, एक तो ज़्यादा कतल की वो गल कर रहे हैं। और हरदीप निज्जर कतल के मामले की तो गल है ही, उस तो बाद भी प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब ने कहा है कि असी इंडिया के नाल बिल्कुल वधिया तालुका चाहते हैं, बट असी रूल ऑफ लॉ भी पसंद करते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि साड़ी फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन जो हरदीप निज्जर साहब की गल सामने आई ट्रूडो साहब ने कहा, तो उस तो बाद फिर असी देखिया कि होर मामले भी सामने आ रहे हैं। और मेलनी जॉली और पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने भी दोहराया कि यस असी इंडिया ना वधिया चाहते हैं रिलेशनशिप, बट क्योंकि एसकलेट कर दिता इंडिया ने यह सारा कुछ। सो ये होया, इस तो बाद आपस दे विच एक दूसरे ते सवाल जवाब जिहड़े ने शुरू हो गए हैं। पीयर पॉलीएफ साहब ने बयान दिता है, पीयर पॉलीएफ साहब कह रहे हैं कि एक गलत है, बड़ा सीरीयस इशू है कि जे साढ़े इत्थे फॉरन इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन नाल ही उन्होंने ये भी कहता कि सीरीयसली लो जिहड़े लोग ये बारे जिन्होंने किया है सारा कुछ, हरदीप निज्जर कतल या जो कुछ भी है, वह कहते जी सारा एक्शन लो, बट सारा कुछ उन्होंने ट्रूडो साहब से लगाता है कि ट्रूडो साहब जोड़े है जी उन्होंने अंडर सारा कुछ सुपरविजन होया, ता ही यह सारा प्लेग्राउंड बन गई है, फॉरन जे एक्टर्स ने उन्होंने प्लेग्राउंड बन गया इतने कैनेडा। सो ये पीयर पॉलीएफ साहब का कहना। जगमीत सिंह जी आए, जगमीत सिंह जी ने पहला इंडिया दे बारे गल की कि देखो जी, जगमीत सिंह उन्होंने कहा कि वो तो बड़ी देर दी बारे चर्चा कर रहे थे, सारा कुछ हो ही रहा। जगमीत सिंह जी ने इंडिया गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट दे सवाल खड़े किए कि ये तो बिल्कुल होर इन्वेस्टिगेशन करो, होर देखो सारा कुछ की है। पर नाल ही जगमीत सिंह जी ने पीयर पॉलीएफ उन्होंने भी कहता कि पीयर पॉलीएफ जिहड़े ने जी वो क्यों नहीं सिक्योरिटी क्लीयरेंस लै रहे, और पीयर असी सारे हुण इकट्ठे होना चाहिए है। सो पीयर पॉलीएफ शायद इंडिया नू इशारा दे रहे हैं कि जी आई एम लुकिंग द अदर वे। सो जगमीत सिंह उन्होंने सीधा पीयर पॉलीएफ उन्होंने पीयर पॉलीएफ ने ट्रूडो साहब से अटैक कर दिता भी ना करन, सब कुछ हो रहा है, जगमीत सिंह जी ने पीयर पॉलीएफ से कर दिता। और फिर पीयर पॉलीएफ साहब ने जगमीत सिंह उन्होंने कह दिता कि गलत गल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सो ये मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते, तो जगमीत सिंह जी ये मुद्दे को एवं कॉन्सपिरेसी थ्यूरीज़ बना के, उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया कि जगमीत सिंह जी कॉन्सपिरेसी थ्यूरीज़ बना के होर ज़्यादा उलझा रहे हैं मसले को। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने जिहड़ा NSA है उन्होंने गलबात की है और सारी जानकारी उन्होंने ली है। सो ये हो गया जी मोटे तौर के उत्ते सारी जो सरकार जो कह रही है, लीडर जो वक् वक् कह रहे हैं, वो तुहानू शेयर करता RCMP जो कह रही है। इस दरमियान असी दस दिए कि कम्यूनिटी के जी ऑर्गनाइजेशनस ने ओंटेरियो सिक्स एंड गुरुद्वारा कमेटी, उन्होंने वालों भी बयान असी तुहानू शेयर कर दिता, उन्होंने देता। अज ओंटेरियो सिक्स एंड गुरुद्वारा कौंसल का भी बयान साढ़े को आ गया, ओंटेरियो सिक्स एंड गुरुद्वारा कौंसल ने भी अपना बयान इस मुद्दे पर देता है, और WSO का भी असी बयान थोड़े नाल साझा कर दिता है। सो यह हो गया सारी कम्यूनिटी की सारी अपडेट्स जी संस्थावां ने स्वागत किया इन्हों का। प्लस असी दस दिए कि अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ब्रिटिश कोलंबिया के, जिथे कि उन्होंने इस गल नू मंग की हैगी है कि जी जिहड़े इंडियन कौंसलेट ऑफिसिस ने टोरंटो और वैंकूवर इन्हां नू बंद किया जाए, वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अच्छा हुण की है कि जिहड़ा ड्यूटी टू वॉर्न RCMP जिहड़ी है एक नोटिस जारी करती है कि जी आ बंदे ने जिहड़े इस वेले जिन्हां नू जाके दसदे आ कि जी तुहाडी जान नू खतरा हो सकदा है पॉसीबली, उहनू ड्यूटी टू वॉर्न कहा जांदा, नोटिस दिता जांदा है, वह 13 बंदिआं नू दिता गया। ये तो साढ़े को इनफॉर्मेशन आई गई है 13 बंदिआं नू, हुण ओह 13 बंदिआं च कौन हैगे आ। सो इहदे विच अज प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, पहला ही क्वेश्चन जिहड़ा जगमीत सिंह उन्होंने दागया गया और बार बार दागया गया, यह जगमीत सिंह उन्होंने बारे बड़ी इंपॉर्टेंट अज सवाल जिहड़ा खड़ा होया। हुण जगमीत सिंह उन्हें जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सीगे ते जगमीत सिंह उन्हां दे उत्ते पहला ही सवाल उन्होंने जिहड़ा पुछया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस विच, तो जगमीत सिंह जी नूं पुछया गया कि जिहड़ा ये गल की जा रही है कि इंडिया गवर्नमेंट के निशाने ते जिहड़े लोग ने, हुण कुछ तो नाम सामने आ गए ने, पर 13 बंदे कौन ने, किहनूं किहनूं इंडिया गवर्नमेंट टारगेट करना चाहुंदी है नहीं करना चाहुंदी। सो पत्रकार ने पहला सवाल यही पूछ लिया जगमीत सिंह जी नूं भी तुहाडा भी नाम है, तुहानूं भी टारगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तुहानूं भी कोई थ्रैट है नहीं है। सो जगमीत सिंह उन्होंने क्वेश्चन जदों पूछा गया उन्होंने डिफलैक्ट कर दिता
कि उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट कम्यूनिटी। सो जगमीत सिंह जी जवाब अगले एक दो क्वेश्चन पर पहुंचे, क्वेश्चन वो फिर लाया दोबारा तो वो कहते जी नहीं दसो तुम तो दसना चाहिए तुम। जदों वह पीयर पॉलिव साहब के उत्ते कह रहे थे कि इन्होंने सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं ली, इन्हों लैनी चाहिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस, क्यों डर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं ये, और की इंडिया को यह दसना चाहते हैं कि मेरा चेहरा आई एम टर्निंग माई फेस ऑन द अदर साइड भी, यह सारा कुछ हो रहा है। सो वी ऑल शुड बी यूनाइटेड। तो पत्रकारों ने फिर पूछ लिया उन्होंने जगमीत सिंह जी ने, नहीं तुम दसो जी कि जेडे इंडिया गवर्नमेंट जेडे टारगेट पर है, क्योंकि खबर तो बहर आ गई भी 13 जने उन्होंने ड्यूटी टू वॉर्न चिट्ठिया देती गई RCMP द्वारा, ठीक है, हरदीप निज्जर भी दी गई सी, फिर हरदीप निज्जर होना कतल हो गया उस तो बाद, तो उधर FBI दे रही है अमेरिका च, इतने RCMP दे रही है। तो यह गल जगमीत सिंह जी को पूछी गई भी तुम भी दसो अपना, तो जगमीत सिंह जी ने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने वही गल दोहराई भी इट्स नॉट अबाउट मी। कह फिर पत्रकार कितने पिछे हटते, पत्रकार पिछे ना हटन, वो कहन जी नहीं जे अज कैनेडा दे विच ओपोजिशन लीडर दी नू कोई फॉरन गवर्नमेंट थ्रेट कर रही है टारगेट पर है, ये तो बहुत वड्डी गल है, फिर ये कोई छोटी गल थोड़ी है, तुहानू दसना चाहिए पब्लिक नू, तुसी उन्हां नू कह रहे हो तो तुसी भी दसो पब्लिक नू। तो जगमीत सिंह उन्होंने नहीं दसिया, ना उन्होंने हाँ की कि क्या इंडिया गवर्नमेंट उन्होंने टारगेट कर रही है, ना उन्होंने इस बारे ना की। सो यह तो हो गया अच्छ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गल, लेकिन तुहानू पता है कि वाई मीडिया से असी स्टोरी बैंड द हैडलाइनज और कोई ना कोई अडिशनल इन्फॉर्मेशन तो असं जरूर लैके आने थोड़े लिए। जगमीत सिंह होणां नू इंडिया गवर्नमेंट वालों वीज़ा इन्हों का रिफ्यूज़ हो गया सगा, इंडिया जाना चाहते थे इन्हों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया से उस समय। जगमीत सिंह जी ने फिर सानू मीडिया नू दस्या जो असीं पहलां भी दस चुके हैं कि उन्हों का वीज़ा भाई रिफ्यूज़ होया, मतलब वो मीडिया नू सानू दस रहे थे भी तुसीं कुछ करो, आवाज़ उठाओ इस मुद्दे पर भी वो इंडिया जाना चाहते थे, उन्हों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया सगा जगमीत सिंह जी का। अच्छा फिर असी मैं दस ही चुका पहला भी, क्योंकि अज ये गल बार बार हो रही है कि पत्रकार अज मेन स्ट्रीम के सारे पूछ रहे हैं जगमीत सिंह जी को कि क्या तुम इंडिया गवर्नमेंट के टारगेट पर हो, नहीं हो, थ्रैट है नहीं है, दसो। जगमीत सिंह जी ने तो नहीं दसिया। हुण साडे कोल जो जो चीज़ां असी कीतियां, फिर जदों जगमीत सिंह जी ने सानू मीडिया नू कहा तो असी इत्थे इंडिया के कौंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव जी इत्थे आए सी, ते असी कहा उन्हां नू भी जगमीत सिंह जी का वीज़ा रिफ्यूज़ होया सी, उह अपूर्वा जी ने कहा कि वह इस टाइम उत्थे नहीं सीगे, ठीक है, नहीं उस टाइम तो प्रीवियस कौंसल जनरल सके। तो टोरोंटो के कौंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव जी ने कहा जी जगमीत सिंह जी को कहो सवेरे आके वीज़ा लै जाए, असी दे देंगे उन्होंने वीज़ा सवेरे लै जाओ। इतने लाइव शो से ही अपूर्वा श्रीवास्तव जी ने कहता, मैं उन्होंने लाइव शो से पूछा सगा। जगमीत सिंह जी द्वारा मेरे इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं जगमीत सिंह जी ने कहा कि जी तुम गल की सा मीडिया ना भी थोड़ा वीज़ा रुक गया, तो असी तो लाइव ही पूछ लिया भी क्यों रोकते हो जगमीत सिंह जी का वीज़ा, तो उन्होंने सानू कहता भी सवेरे आके लै जाओ वीज़ा, जो तुम जाना चाहते हो जाओ इंडिया। तो मैं कहा जी फिर जगमीत सिंह जी ने मेरा धन्यवाद भी कर दिता लाइव इंटरव्यू के विच, सारी चीज़ा साड़ियां जिन्हें भी इंटरव्यू अपूर्वा श्रीवास्तव जी ने जिदा हुण लाइव चलता पाया ना इतने असं बोल रहे हैं तुम देख रहे हो लाइव, अपूर्वा श्रीवास्तव जी ने भी लाइव इंटरव्यू सगा, तो मेरा जगमीत सिंह जी नाल भी लाइव इंटरव्यू सगा, सारा ही लाइव जा रहा है। तो मैं कहा जी तो जगमीत सिंह जी ने कहा भी युद्धवीर जी तुहाडा धन्यवाद, उन्हें मेरा धन्यवाद करता। मैं उन्होंने कहा जी, मैं कहा जी मेरा धन्यवाद ना करो, अभी तो जिहड़ा भी किसी का वीज़ा सानू कहिंदा रिफ्यूज़ असीं पुछ लैंदे, उन्होंने भी दसो जी ये बंदा कोई तुहाडे इंडिया लई कोई खतरा है नहीं खतरा, जे तो खतरा नहीं है तो फिर दे दिओ वीज़ा। कोई कल नू कोई ना कहे कि जी साडे सिर्फ विचारां दे कारण कि असीं इंडिया दे खिलाफ बोलदे हां जां असीं विचार दिंदे हां तो उहदे कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो जांदा है। तो वह फिर उन्हें कहता जी लै लैन वीज़ा, तो जगमीत सिंह जी ने मेरा धन्यवाद करता भी तुहाडा युद्धवीर जी धन्यवाद वाई मीडिया दे तुसीं साडा, मैं कहा जी तो हरेक लई गल करदे हां। सो इस वेले अज दी स्थिति है, पीयर पॉलिव साहब जिहड़े ने ਉਹ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇਅ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ June 2025 ਤੱਕ, ਉਹ June 2025 ਤੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਗਿਆ
और आने वाले टाइम्स है जी होर जोर पकड़ेगा, डेफिनेटली होर जोर पकड़ेगा जी आने वाले टाइम्स। ट्रूडो साहब इनकुआरी के सामने पेश हो रहे हैं, तो ट्रूडो साहब कुछ ना कुछ दसणगे, उहदे नाल होर खुलासे बाहर आउणगे, मामला अदालत जाएगा, अदालत नाम आउणगे, बड़ा कुछ आएगा अदालत दे विच सामने। बंदे तो चार गिरफ्तार किए, उन्होंने तो नाम आ गए, हुण आर सी एम पी कह रही है होमोसाइड्स दे विच, यानी कि कतलों के मामले दे विच असीं अठ बंदे गिरफ्तार चार्ज किया, वो अठ बंदे कौन ने, चार बंदे का मतलब होर भी कोई है ने, वो चार बंदे कौन ने, बई बंदे कहते असं एक्सटोरशन के चार्ज किए बई बंदे, ठीक है। सो हुणे किहड़े बंदे आ, तो एक्सटोरशन जिहड़ियां ने वो वधियां ने, सारा कुछ है। सो आने वाले टाइम के नाम होर आउणगे, कई कुछ होएगा, और उधरों गुरपतवंत पन्नू हुणा का केस जिहड़ा अमेरिका चल रहा, सो उत्थे भी डिवेलपमेंट्स होणगियां, क्योंकि इंडिया अमेरिका दे नाल ते इस वेले तां कोऑपरेट कर रहा, हो सकदा कल नूं कैनेडा दे नाल भी कोऑपरेट करे। सो मैं ब्रीफ दे विच वापस कैनेडा ते आ जांदा, इंडिया कैनेडा दे उत्ते आ जांदे आ, इंडिया कैनेडा दे मामले च की होएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वह मैं करके फिर अज दीआं जिहड़ियां लेटेस्ट खबरां उहदे भी गल कर दिंदे आ। सो इंडिया कैनेडा दे मामले च की होएगा, हुण बड़ा सवाल यह हैगा इस समय। सो इंडिया कैनेडा की जे असी गल करिए, हर कोई पूछ रहा है कि जी मामला हालात खराब होणगे सुधरणगे की होएगा इंडिया कैनेडा के मामले। देखो इंडिया और कैनेडा के मामले जो सानू लग रहा है कि आने वाले समय के रिलेशनशिप होर खराब होने के चांसिस ज़्यादा ने, हो सकता ठीक हो जाए पर ज़्यादा खराब होने के चांसिस ज़्यादा ने। उसका कारण मैं थोड़ा दस ही चुका है कि ट्रूडो साहब कमिश इनकुआरी कमिशन के सामने पेश होंगे, उत्थे उन्होंने गल करनी है, फिर इंडिया अपनी रिएक्शन दिंदा और इंडिया का मीडिया फिर अपनी गल्लां करदा और फिर इस मामले के अमेरिका जो कुछ होना है, फिर मामला अदालत के हरदीप निज्जर के कतल का ट्रायल जिदा जिदा अगे वधेगा अदालत के कई चीज़ा बाहर आनगियां हरदीप निज्जर कतल मामले के, ठीक है। सो ये थोड़ी देर तक ये हालात जोड़े ने मामला जो इंडिया कैनेडा रिलेशनशिप का यह फाइल खराब होने के ज़्यादा चांसिस ने, उस तो बाद फिर ठीक होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और ठीक किदा होना है वो देखो जी मैं अज ये दस दिना है कि मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो बनेगा, गिव एंड टेक होएगा दोनों पासों थोड़ा थोड़ा, इंडिया भी हो सकता है कि जिदा हुण अमेरिका दे नाल कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि सिमिलर सेम प्लॉट है ना गुरपतवंत सिंह पन्नू दे कतली साजिश और हरदीप निज्जर। सो कैनेडा और इंडिया च होए चांसिस की बनेंगे, कैनेडा और इंडिया दे विच चांसिस यही बनते नज़र आ रहे हैं कि उधर भी अमेरिका दे नाल भी कुछ गिव एंड टेक होएगा, क्योंकि उधर की है देखो द्रोन कल 31 द्रोन का एग्रीमेंट साइन होया, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना और यूएई नूं पिछे छड्डदिआं यूएस बन गया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस नूं अज उधर जे असीं गल करिए बाइडन साहब और मोदी साहब की दोस्ती तो है ही है, पर अगे चाहे कमला हैरिस आउण चाहे डोनल्ड ट्रंप आउण, जिहड़ी यूएस दे विच डीप स्टेट है, किसी ने तो भी शो करांगे डीप स्टेट हुंदी है नहीं हुंदी, हुंदी जी बिल्कुल हुंदी है, बिल्कुल बिल्कुल हुंदी है। सो यूएस दे विच जिहड़ी डीप स्टेट है, जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट कह लो उन्हूं, वो डेफिनेटली उन्हां दे अपना एक तरीका है भी किद्दां ओपरेट करना है। सो उन्होंने उन्होंने इंडिया चाहिए इस टाइम के उत्ते, सो उन्होंने इंडिया के नाल उत्थे गिव एंड टेक करके थोड़ा इंडिया नूं झुकना पएगा, बिल्कुल झुकना पएगा इंडिया, बिकॉज यू हैव बीन कॉट, पकड़ा गया ना तुसीं निखिल गुप्ता एक्सट्रैडिट करके वो यूएस ले आए, फिर वो पुछणगे भी निखिल गुप्ता दे नाल होर कि बंदे सी उत्थे, ठीक है। और वो मामला इधर कैनेडा नाल भी अटैच है, तो हो सकता उधर गिव एंड टेक चलता होवे। साडे कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंग्लैंड नाल भी गल की, उत्थों भी मदद मंग रहे हैं, जदों इंडिया गए सी उदों जो बाइडन नाल भी गल कर रहे सीगे। साडी कैनेडा की फॉरन अफेयर मिनिस्टर मेलनी जॉली ने कहा कि जिन्हें भी फाइव आइज़ के फॉरन मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका न्यूजीलैंड सबनों उन्होंने गलबात की है, ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दस है। सो हो सकता है कि जब उधर मामला सॉल्व हो रहा हो गुरपतवंत सिंह पन्नू का, तो हरदीप निज्जर कतल मामले की या होर जो इतने चीज़ा है ने वो भी कितना कितने गिव एंड टेक इतने भी हो जाए कि चलो देखो थोड़ी जी तो हम सज़ा तो कुछ देनी पएगी, तो इंडिया को भी मनना पएगा। सो थोड़ी बहुत सज़ा करके साल दो साल कोई बंदा अंदर कर दें कुछ कर दें थोड़ा बहुत, ताकि पब्लिकली शोर शराबा मच जाए, इधर भी फेस सेविंग हो जाए अमेरिका लई और कैनेडा लई, नाले अगे तो देखो तुसी इत्थे ना करियो कुछ, ठीक है महीने दो महीने छे महीने साल दो साल बाद छड़ देंगे उन्हों कुछ पैरोल ते कुछ ना कुछ करके हाउस रेस्ट पा देंगे, मामला ठंडा पै जाएगा, किहड़ा पता लगना कल किसी नूं, ते थोड़ा बहुत जे फॉलोअप होया तो देख लाँगे की करना है। तो रिलेशनशिप यूएस इंडिया कैनेडा इंडिया का अगे वध जाएगा, दिस इज वट विल बी द फाइनल आउटकम। उस छे महीने चुंदा है साल चुंदा है दो साल चुंदा कि पांच साल चुंदा है ये नहीं मैं कह सकता, उपर एनीवेयर इन बिटवीन वन ईयर मोटे तौर पर लैके चलो कि साल तो लैके तीन साल एवरेज ला के चलो, साल तो तीन साल के मामला सारा इस तरफ निकल जाना। हुण इहदे विच नुकसान किहदा होया, नुकसान हो गया साडी कम्यूनिटी का, नुकसान हो गया कम्यूनिटी का, होर तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है नहीं, चाहे वी हैव लॉस्ट हरदीप सिंह निज्जर, चाहे उन्होंने जो भी विचारधारा हो
कोई भी विचारधारा होवे नोबडी शुड बी अटैक लाइक दिस असी इहनू कंडेम करदे आ जिन्हें भी किया अगर सानू नहीं पता जे कल कोर्ट साबित होंदा है तो बिल्कुल फिर वह भी नाम तो बाहर आ ही जाने और जिहड़े चार बंदे गिरफ्तार होए वह भी पंजाबी है साडे अपने भाईचारे तो सो जिन्हां दे जिहड़ा बंदा मारिया गया वह भी पंजाबी जिहड़े इधर गिरफ्तार होए भी पंजाबी और जिहड़े होर चार्जिज लगने होर वह भी अपने बंदे होने हैं पंजाबी भाईचारे तो और जिहड़े हुण होमोसाइड की गल हो रही है वह भी अपने बंदे पंजाबी जिहड़े 13 जिहड़ियां नूं RCMP वार्निंग दे रही है जिहड़े अमेरिका च FBI दे रही है वह भी अपने पंजाबी भरा ने सारे ठीक है सो यह सारा जो नुकसान है वह कम्यूनिटी का हो रहा और जो असी अगे वधना है इन कंट्री दे विच और असल दे विच कैनेडा नूं कैनेडा दे विच जिस चीज़ों की जरूरत है कैनेडा दे विच एज़ कम्यूनिटी एट लार्ज हुण मैं गल कर रहा कल्ले साउथ एशियन भाईचारे पंजाबी भाईचारे हुण देखो अज ते हैडलाइनस देखो बना रहे हैं अज हर लीडर मैं सारिया पार्टी से गल करांगा और पैनल मैंबर से विचार लगा अज हर लीडर की कर रहा है वह ये देख रहा है कि अगले 12 महीनों भाई साहब इलैक्शन है ठीक है नहीं अगले 12 महीनों इलैक्शन है हो सकता 4 महीने हो जाए हो सकता 5 महीने हर पार्टी ये कह रही है वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट द कनेडियंस ओ ये ट्रूडो साहब का बयान है साउथ एशियन कम्यूनिटी पर अटैक हो रहे हैं जी असी बस बचाव कर रहे हैं देखो बचाव तो तुसी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो मैं जरूर पूछ लांगा हुणे पैनल मैंबरस नूं कनेडियंस किन्ने सुरक्षित महसूस कर रहे अज ब्रैम्पटन दे विच शरेआम बुवे ड्राइव दे उत्ते प्लाजे दे चा वीडियो सर्कुलेट हो रही अज दी गोलियां चल रही गोलियां जिथे सिविलियन एरिया गोलियां चल रही एक्सटॉर्शन इत्थे हो रही है हेट क्राइम वध रहा है कोई अज दी खबर है एक बंदा जाके मॉस्क दे विच उन्हें अटैक कर दिता है सिनेगॉग जिहड़े ज्यूइश कम्यूनिटी है उत्ते 251% हेट क्राइम वध गया है ज्यूइश कम्यूनिटी दे उत्ते सो हेट क्राइम इत्थे वध गया है क्राइम इत्थे वध गया है महंगाई बुरा हाल है हाउसिंग की इतने ता दिक्कत है लोग कहेंगे जी महंगाई के रेट तो घट गया 1.6% रेट घटिया महंगाई नहीं घटी जी अभी मैं क्लीयर कर देव रेट घट गया महंगाई नहीं घटी घर की कीमत कोई बहुत ही थले नहीं आई बहुत उपर चली गई उस तो हल्की जी थले आ गई बस ए 2-4 लाख का घर वाला जमाना चला गया सो इन चीज़ों पर सानू फोकस करना चाहिए बट कि ना कि सारा फोकस जोड़ा है वो होर चीज़ों के उत्ते ज़्यादा नज़र आ रहा है रादर दैन फोकसिंग ऑन यह वीडियो तुसी देख सकते हो जी ए बुवेड के बुवे ड्राइव से अजय वीडियो है जिथे कि तुसी देख लो गोलियां चल रही उत्थे पुलिस भजी फिर रही है कि बंदा फड़न नूं की हो रहा की नहीं हो रहा ठीक है हाँ जी हाँ वह देख लो पुलिस उत्थे देख रही हाँ जी बस ठीक है इन्ना एक वीडियो बहुत है आ जाओ वापस मुद्दे पर रहने क्राइम का तो है ही है मैं जिस तरह पहले जिक्र कर ही रहा कि क्राइम का तो एक चैलेंज है ही है सो नुकसान किहदा हो रहा कम्यूनिटी का पंजाब दे विचों असी देखिया काला दौर आया जिहदे विच कि प्रधानमंत्री का भी कतल होया चीफ मिनिस्टर का भी कतल होया सिटिंग जनरल का भी कतल होया और बहुत सारे लोगों के जाना चली गई नुकसान होए बिजनेसिस तबाह होए घर तबाह होए फैमिली उजड़ गई बड़ा कुछ होया 1978 तो जो 1998 वो 20 साल का काला दौर मोटे तौर पर गिन लीए पर उहदा कोई नतीजा निकलिया पंजाब नंबर 1 स्टेट सीगा लेकिन हुण किते पिछे रह गया कोई इंडस्ट्री नहीं लगी ठीक है जी कोई इंडस्ट्री नहीं कोई IT रेवोल्यूशन नहीं आई कोई ऑटो रेवोल्यूशन ऑटो इंडस्ट्री आई IT आई कोई वैक्सीन बनाने का कोई प्लांट कुछ नहीं सो असी इत्थे हुण ये सोचना है कि एज अ कम्यूनिटी साडा फोकस की होना चाहिए सारे लिए असी गल कर रहे हैं क्या साडा फोकस इत्थे सिनलीज भी है तमिल भी है सो सिनलीज और तमिल हुण मिलकर असी कनेडियन आ सारे इसलिए असी कहने कैनेडा फस्ट क्या साडा फोकस कैनेडा दे उत्ते होना चाहिए जे असी पैलेस्टाइन या इजराइल तो आए हैं इत्थे अज सेमीडियोन पैलेस्टीनियन एक प्रो पैलेस्टीन एक ऑर्गनाइजेशन है वो अज अमेरिका और कैनेडा दोनों ने टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन लिस्ट हो गई जी अजी दोनों तरफों क्योंकि वो लोग इतने नारेबाजी कर रहे थे डैथ टू US डैथ टू इजराइल और डैथ टू कैनेडा और कैनेडा का झंडा साड़ रहे थे अज अमेरिका ने और कैनेडा ने पब्लिक सेफ्टी के जो तुम जानना चाहते हो कि टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन कैनेडा वालों लैनिया तो पब्लिक सेफ्टी की वैबसाइट पर मैं जाके क्योंकि साडा काम है जी असी खबर इदा तो नहीं भी खबर कितने सुन ली पढ़ ली नहीं फिर मैं जाके अज कैनेडा की जी पब्लिक सेफ्टी की वैबसाइट है गवर्नमेंट वैबसाइट है मैं उत्थे जाके देखी बिल्कुल सेमीडियोन लिस्टड हो गई है उत्थे सेमीडियोन अज लिस्ट हो गई है सो क्या असी इन डिवीजन के रहना हैगा कि कोई इजराइल लड़ाई लड़ रहा है कोई पैलेस्टाइन लड़ रहा है कोई इंडिया कोई पाकिस्तान कोई कश्मीर कोई पंजाब कोई खालिस्तान कोई श्रीलंका दे विच जो ट्रबल आ तां इत्थे ट्रबल है जे रशिया यूक्रेन ट्रबल आ तां इत्थे ट्रबल हो जाती है या साडे अपने कैनेडा दे जिहड़े इशूज़ ने हुण असीं उहदे वल फोकस करना है कि साडी आउण वाली जनरेशनस नूं इत्थे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ बेहतर जॉब्स आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की साडे ते असर करेगी क्लाइमेट चेंज का कैनेडा ते की असर होएगा
ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਆ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਆ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਸ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਪਅਪ ਕਰਦਾ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਆ, ਬੋਥ ਆਰ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੁਗੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ $5,000 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, $4,000-$5,000 ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $4,000-$5,000 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀ ਅਟੈਚ ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਜੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, 2025 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ, 2.25 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4-4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 4-4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 600-700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਕੌਂਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ 6-7 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ 700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਕੌਂਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, 700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਨ ਸਵੀਟ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ੈਟ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਬੰਦਾ 500-700 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਇਨ ਸਵੀਟ ਲਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500-700 ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਯਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਥਰਸਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, 416-475-5000, 416-475-5000, 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Why Media Group, the fastest growing media group in North America.